इलेक्शन तो बेसिकली एक दिन होता है, लोगों को लगता है कि एक दिन के लिए क्या कितने इंतजाम करने पड़ते हैं, उतनी लोगों को, आम लोगों को, आम शहरी को उतनी मालूम नहीं रहती। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मेरे बगल में जो डीसी साहब, एसएसपी साहब, उनको पता रहता है कि अब 3-4 महीने की इनकी मेहनत इसमें लगी हुई है, इवन उससे कहीं ज़्यादा। इसलिए लगभग जो है 6 महीना पहले हमने हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ईवीएम में भी उनकी फर्स्ट लेवल चेक करवाया पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में। फिर अभी जो है अलग अलग जो अहदेदारान हैं हमारे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनका जो ब्रीफिंग है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिए जा रहे हैं डिटेल में। नोडल ऑफिसर्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लगते हैं, वो लग गए हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड, वो सब अपनी जगह पर तैनात हो गई है। जैसे जैसे नज़दीक आ जाती है वैसे वैसे दूसरी भी तैयारियां होने लगती है जो आज नहीं हो गई है। तो ओवरऑल जो है काफ़ी डिटेल में इसमें एक्सरसाइज लगती है, बड़ी पैमाने पर इसमें मैन मूवमेंट होती है। ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक तुलना के तौर पर कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोबिलाइज होने वाली अगर कोई सिंगल एक्टिविटी अगर है तो ये लोकसभा इलेक्शन 2024 है, जिसमें तकरीबन 97 करोड़ के करीब मतदाता पूरे कंट्री के लेवल पर, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 87 लाख के करीब जो है मतदाता इसमें शिरकत करेंगे, और जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो तकरीबन 70,000 के करीब जो है इसमें पोलिंग स्टाफ लगेगा, और उतना ही जो है दूसरा स्टाफ भी उसमें काम करता है, हमारा पुलिस का है, सीएपीएफ का है, क्लास 4 एम्प्लॉज है, वॉलंटियर्स है, वो सब मिला करके अगर देखें तो 1.5 लाख से ज़्यादा मुलाजिम पूरे यूनियन टेरिटरी में इस पर काम पर लग जाते हैं। डेफिनेटली जो है इलेक्शन के दरमियान एडिशनल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जो ट्रबल क्रिएटिंग लोग रहते हैं जिनको पुलिस पहले से जानती है, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ की जाती है, चाहे CRPC 107, 153, 109 में है, या कहीं ज़रूरी लगता है तो डिटेंशन ऑर्डर्स में भी जो है पास किए जाते हैं। जो जहाँ जहाँ वल्नरेबल चीज़ें लगती है, वल्नरेबल एरियाज लगते हैं, वहाँ वहाँ हम जो है एडिशनल फोर्स भी डिप्लॉय करते हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा संदेश है ये, बेसिकली आपके लिए ही सब कुछ जो हम जो कर रहे हैं आपके लिए ही है। आपके ज़रिए से मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल वोट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हर किसी ने जो भी 18 साल का हो गया है अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करना चाहिए। डेफिनेटली आप जो मतदाता बन चुके होंगे, अगर किसी कारण आप नहीं बने हैं तो ज़रूर अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी जो है कंटिन्यूस अपडेशन हमारा चल रहा है। जो भी आपके इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या तहसील ऑफिस है या BLO है, उनके पास जाइए, मतदाता बनिए, और यहाँ 7 मई को जो पोलिंग होगी तो उस दिन जो है आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक्सरसाइज करें। जो भी कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंदीदा लगती है उसके फेवर में।